कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत बनाए गए कंटेनमेंट जोन व कोरोना कर्फ्यू के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहां के दवा के दुकानों के साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर ध्यान दिया जा रहा है। SSP दिनेश कुमार पी ने कहा कि आंशिक कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं पर छूट दी गई है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कर्फ्यू का पालन करें और कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत डबल मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए शासन एवं DGP महोदय के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार हम लोग लगातार कंटेनमेंट जोन में भ्रमण कर रहे हैं। किसी भी असुविधा कंटेनमेंट जोन के अंदर क्लस्टर जो बनाए गए हैं, मेट्रो क्लस्टर, उसके अंदर जो रहने वाले परिवारों का ना हो, ये शासन का मंशा है। इसके अनुसार हम लोग रैंडमली लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस बीच में जो दवाई की दुकान है, वहाँ के दुकानदार को सचेत कर रहे हैं कि भाई कोई भी दवाई या अन्य जो आवश्यक जो दवाई है अतिरिक्त रेट्स में न बेचें, और जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट्स MRP के विदिन ही अपना दवाई भी बेचें, और वहाँ अंदर जो दूध सब्जी की कोई समस्या ना हो, इस संबंध में भी लोगों से पूछा पूछे। क्योंकि एक लगातार हम लोग इस चीज़ पे जो वेरीफाई करके, क्रॉस वेरीफाई करके, लोग जो अननेसेसरीली निकल रहे हैं उनके खिलाफ चालान जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए बाहर निकल रहे हैं, किसी के घर की समस्या है, बीमारी है, दवा लेना है, सब्जी लेना है, दूध लेना है, ऐसे जो आवश्यक चीज़ों के लिए, कभी किसी को पड़ोस जनपद में अपने बीमार रिश्तेदार को देखने जाना, इस तरह से तमाम लोग निकलते हैं। जो भी आवश्यकता अनुसार उनको वेरीफाई करके छोड़ा जा रहा है। सभी लोगों से यही अपील है कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो घर से ना निकलें, तो घर से अगर आवश्यकता के लिए निकल रहे तो डबल मास्क पहने और अपने लगातार जो है जो अच्छे स्वस्थ रहें और जो पुष्ट आहार ठीक से लें और बचे रहें चीज़ों, भीड़ भाड़ चीज़ों से, और संक्रमण अगर आप है तो डॉक्टर के द्वारा दिया गया दवाई को ढंग से खा लें, होम आइसोलेशन में रहें, तो मेडिकल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करें। यही अनुरोध है सभी लोगों से कि जो आने वाले समय में ईद भी है, सभी मुसलमान भाइयों से यही अपील है कि अपने घरों में रह के नमाज़ पढ़ें।